हेलो गाइस, आप सभी का स्वागत है एक न्यू वीडियो में। गाइस, आज जो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं, जैसे जितनी भी बड़े बालों की जो डॉग ब्रीड्स हैं, गर्मियों में इनके बाल जो होते हैं वो बहुत ही ज्यादा टूटते हैं, तो आपको पूरे घर में बाल देखने को मिलते हैं। तो गाइस, इससे छुटकारे के लिए सबसे बेस्ट ऑप्शन है आप इनकी सुबह और शाम दो टाइम कॉम्बिंग करें, जिससे जितने भी टूटे हुए बाल हैं वो सभी आपके उस कॉम्ब में आ जाएंगे। उससे आपको ये प्रॉब्लम का ये सॉल्यूशन है, आपको ना घर में बाल बेड पे जैसे सोफे पे जहां भी डॉग आपका जाता है वहां आपको बाल नजर आते हैं, क्योंकि जहां भी जो जितने भी टूटे हुए बाल हैं वो वहां पे लग जाते हैं सोफे के, जैसे आपका डॉग लग के गया तो सोफे पे भी चिपक जाते हैं, और उन बालों को हटाना भी बहुत ही ज्यादा मुश्किल रहता है। तो गाइस, इसके लिए सबसे जो बेस्ट ऑप्शन है, आप एक ऐसा पेट शॉप से कॉम्ब ले सकते हैं बिल्कुल जो बारीक टीथ वाला हो, और सुबह और शाम अपने डॉग को आप कॉम कर सकते हैं। इससे क्या फायदा होगा, इससे एक तो जो आपके डॉग के टूटे हुए बाल जितने भी स्किन में होंगे, टॉम थोड़ा गया, जितने भी टूटे हुए बाल होंगे वो आपके इस कॉम में आ जाएंगे, इससे आपके डॉग को भी खुजली नहीं होगी। अदरवाइज जैसे जितने भी टूटे हुए जो बाल हैं वो आपके डॉग को इरिटेट करेंगे, आपका डॉग खुजली करेगा। कई बार ऐसा होता है जैसे टूटे हुए बाल स्किन में हैं तो डॉग वहां से बाइट करके खुजली करता है, तो उससे उसको जितने स्किन में जो नॉर्मल बाल हैं वो भी बाहर निकल जाते हैं और उसको जैसे रेड कलर के रैशेज हो जाते हैं, फिर वो काफी प्रॉब्लम करते हैं। तो इसीलिए आप एक ऐसा कॉम्ब लें और सुबह और शाम आप ये कॉम्ब कर सकते हैं अपने डॉग को, इससे आपके डॉग को भी काफी रिलैक्स मिलेगा। और गाइस, एक चीज का जो आपको खास ध्यान ये रखना है कि जैसे आप कॉम्ब जब भी कॉम्ब चला रहे हैं तो उसको बिल्कुल स्किन के अंदर ना गड़ा के चलाएं, उससे आपको ये प्रॉब्लम होगी। जैसे इसके जो टीथ होते हैं ये थोड़े से बारीक होते हैं, तो आपके डॉग की स्किन पे जैसे ज्यादा गड़ा के आप चलाते हैं तो उससे भी आपके डॉग को रैशेज हो सकते हैं। आपको बिल्कुल ही हल्के हाथ से, बिल्कुल आपको हल्के हाथ से चलाना है। आप जितना हल्के हाथ से चलाएंगे आपका डॉग भी बिल्कुल भी परेशान नहीं होगा उससे, और बिल्कुल आराम से बैठा रहेगा। टॉम खड़े हो, गाइस जितनी भी लॉन्ग हेयर की जो डॉग ब्रीड्स होती हैं, गर्मियों में इनकी जो केयर है वो थोड़ी सी बढ़ जाती है। वो बढ़ने का ये रीजन है, इनके जो बाल होते हैं वो काफी बड़े होते हैं, तो इस वजह से एक तो इनको गर्मी बहुत ही ज्यादा लगती है, दूसरा इनके जो बाल चेंज होते हैं गर्मी के मौसम में, जैसे सर्दी से गर्मी में मौसम जब चेंज होता है तो इनके बाल भी चेंज होते हैं, तो जो पुराने वाले जो बाल होते हैं वो सारे टूटते हैं, तो जो ये बाल इसके टूटते हैं तो नए बाल आते हैं, तो पुराने वाले निकल जाते हैं। ये देखो भाई, मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखो अभी मैंने इसको कॉम कराया तो ये जितने भी टूटे हुए बाल अटके हुए थे ये सभी बाहर निकल रहे हैं, टॉम भी अब बिल्कुल रिलैक्स खड़ा है। तो गाइस, आप ये सुबह और शाम कॉम करें, ये बहुत ही बेस्ट रहेगा, इससे आपको घर में बाल बहुत ही कम देखने को मिलेंगे। डॉग की पूरी बॉडी पे आप कॉम करें। गाइस, मैं फिर से कहना चाहूंगा, कॉम को बिल्कुल बारीक जो टीथ हैं इसके, इसको बिल्कुल हल्का चलाएं, अदरवाइज आपके डॉग की स्किन पे रैशेज हो सकते हैं, आपको इस चीज का खास ध्यान रखना है। और 3 से 4 दिन में आप अपने डॉग को नहलाएं। टॉम खड़े हो, वहां पे हो, ये देखो अभी जैसे मैं कॉम भी कर रहा हूँ टॉम की टेल पे, टॉम खड़े हो वहां पे हो जाओ, ये देखो इधर आओ, मैं टॉम की टेल पे जैसे अभी कॉम कर रहा हूँ तो इसके बाल भी काफी जैसे सुलझ रहे हैं, देख रहे हो आप वीडियो में।
तो इसे जितने उलझे हुए बाल हैं वो भी सीधे हो जाएंगे। दूसरा, आप अपने डॉग को गर्मी के टाइम में 3 से 4 दिन में नहलाएं। जैसे आप 3 से 4 दिन में नहलाते हैं उससे भी जितने टूटे हुए बाल हैं उससे भी निकलेंगे बाल टूटे हुए हैं, तो ये भी एक बहुत ही अच्छा ऑप्शन है। अभी देखो कितने जो टॉम के बाल हैं वो निकल गए हैं टूटे हुए, क्योंकि टूटे हुए बाल अगर स्किन में रहते हैं तो उससे डॉग को काफी खुजली होती है, वो पूरे दिन खुजली ही करता रहेगा। गाइस एक चीज और, आप अगर जैसे घर का नॉर्मल कॉम्ब लेते हैं तो नॉर्मल कॉम्ब अगर आप ले रहे हैं तो नॉर्मल कॉम्ब इतना आपका यूजफुल नहीं है, क्योंकि जो उसके टीथ होते हैं वो काफी खुले होते हैं। ये देखो इसका बेनिफिट एक ये है, जैसे आपने कॉम्ब किया तो इससे बाल नीचे बहुत ही कम निकलेंगे, सारे जितने भी बाल हैं वो आपके इस कॉम्ब में आ जाएंगे, फिर आप उन्हें इकट्ठा करके ऐसे डस्टबिन में डाल सकते हैं। और जो आपका जैसे नॉर्मल घर पे जो आप कॉम्ब यूज करते हैं अगर आप वो वाला कॉम्ब लेंगे तो उससे आपको क्या प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, उससे आपके जो बाल है ना डॉग के टूटे हुए वो बहुत ही कम अमाउंट में निकलेंगे। ऐसा इसलिए क्योंकि जो उसके जो टीथ होते हैं वो बहुत ही ज्यादा खुले होते हैं इसके कंपेयर में, जो हमारा ये डॉग्स के लिए कॉम्ब आता है इसके कंपेयर में उसके टीथ बहुत खुले होते हैं, तो उससे प्रॉपर जितने टूटे हुए बाल हैं वो नहीं निकलेंगे। तो इसलिए आपके लिए ये बेस्ट रहेगा, आप ये वाला एक कॉम्ब ले सकते हैं। टॉम आ जाओ। तो दूसरा एक चीज और, जब भी आप उसको कॉम करें या तो घर से बाहर करें या अपने रूम से बाहर, क्योंकि जितने भी बाल हैं वो टूट के आपके नीचे ऐसे ही जगह रहे जहां से आप इजीली साफ कर सकते हैं। अगर आप रूम में करेंगे तो बेड के नीचे, सोफे के नीचे या जो भी सामान है उसके नीचे वो बाल जाएंगे, तो आप रूम से बाहर, अभी मैं भी जैसे रूम के बाहर ही बैठा हूं, रूम के बाहर आप कॉम करें तो ज्यादा बेटर रहेगा। सुबह और शाम 2 टाइम आपको कॉम करनी है, तो जितने भी टूटे हुए बाल हैं वो कॉम में आ जाएंगे, फिर आपको बहुत ही कम अमाउंट में जो बाल हैं वो देखने को मिलेंगे। जैसे कई बार बैठ के लग जाते हैं, सोफे पे डॉग बैठा है तो सोफा पे बैल हो जाते हैं, और उन बालों को हटाना भी बहुत मुश्किल होता है। ये देखो टॉम की मैंने टेल पे अभी कॉम किया है, फिर बैठ गया। टॉम उठो, ये देखो टॉम की मैंने टेल पे कर रहा हूँ, तो इससे इसकी जो टेल के जो बाल हैं वो भी बढ़िया हो रहे हैं। एक चीज जो आपको ध्यान रखनी है गर्मी में, जैसे आप अपने डॉग को रखते हैं, आप या तो इस ब्रीड को जितने भी लॉन्ग हेयर की या लॉन्ग हेयर की नहीं भी है, क्योंकि डॉग का जो बॉडी टेम्परेचर होता है ह्यूमन के कंपेयर में वो ज्यादा होता है, तो आप इनको कूलर या एसी में रखें। अगर आप एसी में भी अपने डॉग को रख रहे हैं तो आपको एसी का टेम्परेचर भी बहुत ज्यादा डाउन नहीं करना, आपको एसी का भी जो टेम्परेचर रखना है वो 25 या 25 से ऊपर रखना है, क्योंकि अगर आप जैसे कम टेम्परेचर में रखेंगे अपने डॉग को, जैसे आपने 18 कर दिया या 20 जितना भी आपने किया कम टेम्परेचर, तो आपको डॉग जैसे हमेशा पूरा दिन एसी में तो बैठा नहीं रहेगा, आप घुमाने के लिए उसे बाहर भी जाएंगे, तो आप जैसे उसको घुमाने के लिए बाहर जा रहे हैं तो उससे आपको ये प्रॉब्लम देखने को मिलेगी, बाहर गर्मी है और अंदर सर्दी में से वो निकला है ठंडे में से, तो इससे आपको ये वाली प्रॉब्लम देखने को मिलेगी। आपके डॉग को एक तो सर्द गर्म हो सकता है, दूसरा कई बार ऐसा होता है हीट स्ट्रोक, क्योंकि ठंडे में से डॉग बाहर आया है तो अचानक गर्मी में जाएगा तो हीट स्ट्रोक से भी काफी प्रॉब्लम हो सकती है, तो इसलिए डॉग को ना ज्यादा ठंडे में रखें, एक रूम का जो टेम्परेचर है उसको आपने मेंटेन करके रखना है। अब ये देखो दूसरी बार में इतने बाल नहीं निकले, पहले ज्यादा निकले थे, आपने अच्छी तरह पूरी बॉडी पे जहां भी बाल आपने नजर आ रहे हैं वहां आपने टॉम थोड़ा आ गया हो, वहां बस बैठ जाओ, बैठो बैठो बैठो, जितने भी बाल हैं आपने अच्छे से कॉम कर देना पूरी बॉडी पे।
जैसे सुबह और शाम कॉम करेंगे तो इससे बहुत ही ज्यादा आपके डॉग के लिए ठीक रहेगा। कम से कम बाल टूटेंगे, 3 से 4 दिन में आप उसे नहला दें। दूसरा, गर्मी में उसे ठंडे मौसम में रखें, आप थोड़ा ठंडा एनवायरनमेंट दें तो उसके लिए ज्यादा बेटर रहेगा। तो गाइस ये थी हमारी एक छोटी सी इंफॉर्मेशन। गाइस अगर आप एक डॉग ओनर हैं या आप एक डॉग लेना चाह रहे हैं तो गाइस आपको कौन सी ब्रीड लेनी चाहिए, किस ब्रीड का नेचर कैसा है, किस ब्रीड को आपको कैसी डाइट देनी चाहिए, किसको कैसा एनवायरनमेंट चाहिए, किस ब्रीड को कितना घर में स्पेस, किसने स्पेस में कौन सी ब्रीड आप इजीली रख सकते हैं, आप ये सब जानने के लिए हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक नीचे दिया हुआ है। तो गाइस आप हमारी वेबसाइट पे भी विजिट कर सकते हैं। हमारी जो वेबसाइट पे है हमने हिंदी और इंग्लिश दोनों ही लैंग्वेजेस में ब्लॉग्स बनाए हुए हैं जो ब्रीड्स के ऊपर हैं, डॉग की डाइट के ऊपर है और भी जो इम्पोर्टेंट टॉपिक है उनके ऊपर हमने काफ़ी ब्लॉग लिखे हुए हैं। तो आप वहां जाके विजिट करें और आप पढ़ के काफ़ी अच्छी नॉलेज आप गेन कर सकते हैं वहां से। तो आपको ब्रीड भी चूज करने में बहुत आसानी रहेगी कि किस ब्रीड के अकॉर्डिंग आप किसकी कितनी केयर कर सकते हैं। तो गाइस आप हमारी वेबसाइट पे विजिट करें जरूर। और दूसरा, अगर आपको कोई भी अच्छी क्वालिटी का कोई भी डॉग पपी लेना हो तो भी आप हमसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, नीचे कॉन्टैक्ट नंबर भी मैंने अपना दिया हुआ है। तो गाइस ये थी एक हमारी छोटी सी इन्फॉर्मेशन। तो गाइस अब हम मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए बाय एंड टेक केयर।